ये है आपके सामने आपका क्वेश्चन नंबर 4.2, चैप्टर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4.2। ठीक है, तो आप बहुत ध्यान से समझना। ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट ऑफ 35 एम्पीयर। एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर हमें स्ट्रेट वायर की लेंथ ना दी गई हो तो मैं उसको इनफाइनाइट लेंथ का ही मानकर चलता हूँ। तो एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसके अंदर 35 एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड बी एट द पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। ठीक है, मान लीजिए, एज्यूम कीजिए ये मेरे पास वायर है, ठीक, और इस वायर से 20 सेंटीमीटर दूर किसी पॉइंट पर कोई पॉइंट है, जैसे 20 सेंटीमीटर दूर है, आर की वैल्यू कितनी होगी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, डिस्टेंस टोटल आर है 20 सेंटीमीटर में, इसको मान लो मुझे इस वायर में, ये करंट कैरिंग वायर है, इसके अंदर मान लो करंट फ्लो हो रहा है, कितना दिया हुआ है आई 35 एम्पियर का करंट है। ठीक है, तो मुझे बताना है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर प्रोड्यूस होगा। क्लियर, करंट की डायरेक्शन नहीं दी, कोई डायग्राम नहीं दिया, तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वगैरह भी नहीं बतानी, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करी गई। तो आपने बायर्ड सावर्ट लॉ में और एम्पियर सर्किट लॉ में भी इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखा है। अगर आपने वो टॉपिक नहीं पढ़ा है तो आई टैब पर क्लिक करके पहले आप वो वीडियो देखें, तब इस सॉल्यूशन पर आए। ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं, उससे पहले मैं कुछ गिवन क्वांटिटीज लिख दूं। तो क्या क्या गिवन है, करंट फ्लो हो रहा है 35 एम्पियर, मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, और जो डिस्टेंस है पॉइंट की वो दे रखी है 20 सेंटीमीटर। मैं इसको मीटर में बदल लूं, डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे तो ये मीटर में आ जाएगी। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है वो होता म्यू नोट आई बाय 2 पाई आर। ठीक है, वैल्यू पुट कर दें, म्यू नोट की वैल्यू 4 पाई × 10⁻⁷। करंट कितना है 35 एम्पियर का। ठीक है, आ रही ना बात समझ में, 2 पाई और r कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, यानी 20 बाय 100। तो पाई से पाई कैंसिल, ये आ गया 2 × 35 × 10⁻⁷, और ये 100 भी ऊपर आ जाएगा बाय 20, वैसे भी कैंसिल आउट कर दो 10। 35 बाय 10 क्या होगा 3.5, और 10⁻⁷ और 10⁻+2, ये बच गया बच्चों 10⁻⁵ टेस्ला। इतने टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर प्रोड्यूस होगा इस करंट कैरिंग वायर की वजह से। अगर इन केस आपको इसके अंदर डायरेक्शन भी दे देता करंट की और पूछे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालिए, तो बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल आप एज्यूम करेंगे कि भाई ये वायर आपने अपने राइट हैंड में पकड़ा हुआ है, तो जो थंब की डायरेक्शन है वो करंट की तरफ होनी चाहिए और जो फिंगर्स करंट करेंगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगे। तो अगर हमसे पूछता है डायरेक्शन भी दे करंट की और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछ ले, तो हम बहुत आसानी से राइट हैंड थंब रूल की मदद से डायरेक्शन निकाल सकते हैं। अगर आपको डायरेक्शन निकालनी नहीं आती है तो उसके लिए आप इस वीडियो पर जाएं और पहले डायरेक्शन निकालनी भी सीख लें। ठीक है, तो ये छोटा सा क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन है आपका, ये हो गया 4.2 क्वेश्चन, आप देख लें, कर लें, और कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, इतना ही रखते हैं।